हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म काय पोचे को लेकर, और जानेंगे ये फिल्म हिट हुई थी या फिर फ्लॉप। और साथ ही साथ आपको बता दूं, आज इस फिल्म को रिलीज़ हुए 9 साल पूरे हो चले हैं। जी हाँ, ये फिल्म अब से 9 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 22 फरवरी को रिलीज़ की गई थी। ऐसे में आपको बता दूं, ये फिल्म बेस्ड है चेतन भगत की नॉवल दी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर। अब बात करें फिल्म को लेकर, तो फिल्म में आपको लीडिंग में नजर आए थे जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, या ये कहें अब लेट सुशांत सिंह राजपूत। मेरे फेवरेट एक्टर रह चुके हैं ये और हमेशा रहेंगे। इनके अलावा नज़र आ रहे हैं गोविंद के तौर पे राजकुमार राव, और इनके अलावा साध का रोल प्ले कर रहे हैं, बोले तो ओमी का रोल प्ले कर रहे हैं साध। अब ऐसे में बात करें डायरेक्टर को लेकर, तो उसका डायरेक्टर है अभिषेक कपूर। और अब बात करती जाए फिल्म के बजट को लेकर, किसका बजट क्या है और इसने क्या कलेक्शन किया। वेल, आपको याद हो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2013 में, जब इसका बजट था लगभग 30 करोड़ रुपए। और कलेक्शन की बात आती है तो इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी शानदार किया और एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और कमाए 83 करोड़ रुपये। वेल गाइस, आपकी फिल्म को लेकर क्या है राय कमेंट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी है, मैंने सही बताऊँ ना, मेरे पास पूरी फिल्मों का कलेक्शन पड़ा है, जितनी भी मूवीज़ है सुशांत सिंह राजपूत की, लेकिन मेरी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस फिल्म को देख सकूँ। लेकिन नॉवल की बात रही जो बेस्ड है दी थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये नॉवल मैं पढ़ चुका हूँ और मेरे को अच्छी तरह याद भी है क्या स्टोरी है। तो यार, किसी दिन देखूँगा, जिस दिन हिम्मत जुटा पाऊँगा एक बार फिर से फेस करने की इस महान व्यक्ति को। वेल, आपकी फिल्म को लेकर क्या है राय, क्या आपने फिल्म देखी, तो आपको पूरी फिल्म में सबसे बेस्ट कैरेक्टर किसका लगा, ओमी का या फिर ईशान का या गोविंद का। फिल्म देखिए, काफ़ी अच्छी है। मैंने फिल्म नहीं देखी फिर भी आपको बोल रहा हूँ फिल्म काफ़ी अच्छी है, क्योंकि स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को काफ़ी यूनिक लगा और मेरे को ये चीज़ काफ़ी, बोलते हैं ना, नॉवल पढ़ने के काफ़ी दिनों बाद पता चला था कि ये फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है। वेल, आपकी जो भी हो रहा है फिल्म को लेकर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, और यार चैनल को सब्सक्राइब मत करना भले ही, पर वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये बेस्ड है सुशांत सिंह राजपूत पर। कहीं हो सके तो करना, और शेयर कर सको तो कर देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर।